Assalamualaikum नाज़रीन, अबिश नरेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है कार्बन। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये मूवी 2067 में सेट की गई है जब अर्थ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलने लगी थी। ऑक्सीजन और पीने का पानी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही रह गया था। हवा में कार्बन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से खुले में सांस लेना नामुमकिन हो गया था। घरों और बिल्डिंग में साफ हवा पहुंचाने की कोशिश की जाती थी बट बाहर जिंदा रहने के लिए मास्क पहनना जरूरी था। जो ज्यादा हेल्दी बंदे थे अगर वो ऑक्सीजन मास्क ना पहने तो उन्हें सफोकेशन होने लगती थी। ऑक्सीजन जो एक नेचर मतलब कुदरती चीज समझी जाती है वो प्रोडक्ट में बदल गई थी। बहुत सी मिलियन डॉलर कंपनी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाकर बेचने लगी थी और वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी इसीलिए सिर्फ रिच लोग उसे अफोर्ड कर पा रहे थे। गवर्नमेंट गरीब लोगों को मुनासिब कीमत पर ऑक्सीजन दे रही थी बट वो अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए थोड़ा सा टाइम गुजर जाने के बाद वो लोग मर जाते। अब बहुत से लोग पानी और ऑक्सीजन लेकर मार्स की तरफ जा रहे थे। अर्थ के लोग बहुत पैनिक और वायलेंट होते जा रहे थे। सारी ऑक्सीजन हर तरफ खत्म हो चुकी थी बट अभी भी कुछ ऑक्सीजन हिमालय में थी जिसकी डिमांड भी बढ़ रही थी और वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी जैसे कोई डायमंड हो। कुछ साल पहले ऑक्सीजन का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो गए थे, मर्डर और प्रोटेस्ट करने लगे थे। गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी थी, यहाँ तक कि रिच लोग भी उसे बाय करके कहीं ले जा नहीं सकते थे। जब ऑक्सीजन की स्मगलिंग स्टार्ट हो गई तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल बना दिया कि लोग अपने घरों से 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते, मतलब कर्फ्यू लग गया था। जो भी 6 के बाद पब्लिक प्लेस पर नजर आया उसे उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा। मूवी का हीरो तकरीबन 30 साल का आदमी था जिसका नाम था रैंडम शुक्ला। वो मुंबई इंडिया में 2037 में पैदा हुआ था। बाहर के माहौल की वजह से जब उसने पहली सांस ली तो उसे हार्ट फेलियर हो गया। उसके साथ साथ और भी 45% बच्चे थे जो उस वक्त पैदा हुए और उन्हें भी हार्ट फेलियर हो गया था वो अभी तक आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर के साथ जिंदा थे। वो हर वक्त अपने साथ एक बैग रखते और एक डिवाइस जो उनकी चेस्ट के साथ अटैच थी जो उन्हें जिंदा रहने में हेल्प कर रही थी। उन्होंने सुना था कि अर्थ ग्रीन और ब्लू होती थी बट वो इस बात को सिर्फ मिथ समझते थे। उन्होंने कभी ऐसी लाइफ इमेजिन ही नहीं करी थी जिसमें ऑक्सीजन हर तरफ हो, पानी को लग्जरी ना समझा जाए। अब रैंडम का काम था कि वो नेचुरल ऑक्सीजन को छोटे स्केल पर स्मगल करे। उसका हर्ट आर्टिफिशियल था इसलिए 2 ऑक्सीजन के कैन हर जगह ले जाने की परमिशन थी और इसी वजह से वो ऑक्सीजन स्मगल कर सकता था। मूवी के स्टार्ट में रैंडम एक जेल की तरह के कमरे में उठता है, उसके साथ और भी वर्कर्स रहते थे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सुबह के वक्त घरों में ऑक्सीजन जाना कुछ देर के लिए बंद होगी। उस वक्त लोगों को बताया गया था कि घरों में भी ऑक्सीजन मास्क पहने। रैंडम को सुबह एक साथ वाला वर्कर बताता है कि तुमने आज यकूब से मिलने जाना है। यकूब उसका नया क्लाइंट था जो उसे मिलियंस दे रहा था सिर्फ नेचुरल ऑक्सीजन के 2 कैन स्मगल करने के लिए। अब उसे बोला जाता है कि ऑक्सीजन के कैन उठाओ और ले जाओ बट उन दिनों सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी। रैंडम अब ऑक्सीजन के कैन ले लेता है और खुद की लाइफ को खतरे में डालता है और क्लाइंट से मिलने के लिए चला जाता है। वो ये सब पैसों के लिए कर रहा था। उसका एम था कि वो ज्यादा सारा पैसा इकट्ठा करके मार्स में जाए और वहाँ नई जिंदगी की शुरुआत करे। रैंडम और उसका साथी एक बिल्डिंग में याकूब से मिलने जाते हैं। वो एक गैंगस्टर था और मुंबई का सबसे बड़ा ऑक्सीजन स्मगलर था। याकूब का मार्स तक कनेक्शन था और वो अमीर लोगों को प्योर हिमालय वाली ऑक्सीजन स्मगल करता था। रैंडम उसे बताता है कि मेरे पास नेचुरल ऑक्सीजन को ले जाने का लाइसेंस है इसलिए ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। याकूब का एक आदमी उसकी शर्ट उतार देता है ये देखने के लिए कि वो सच बोल रहा है या नहीं। उन्हें यकीन आ जाता है जब उसकी चेस्ट के साथ एक डिवाइस को देखते हैं। याकूब बोलता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए 10 मिलियन दूंगा लेकिन रैंडम बोलता है कि मुझे 40 मिलियन चाहिए। याकूब को रैंडम की ताकत पर शक होने लगता है तो वो बोलता है कि मेरे साथ आर्म रेसलिंग यानी कि पंजा लड़ाओ। उसके मुताबिक डील तब होनी चाहिए जब सामने वाला बंदा ताकतवर हो, सिर्फ लाइसेंस के बिना पर नहीं। मैच स्टार्ट हो जाता है। याकूब दरमियान में अपना मास्क उतार देता है और रैंडम का मास्क भी उतरवा देता है। रैंडम को सांस लेने में मसला होता है तो वो बाजू छुड़वा कर मास्क पहनने लगता है जिसकी वजह से वो हार जाता है। याकूब उससे हो जाता है और 40 मिलियन देने के लिए मान जाता है। अब रैंडम को ऑक्सीजन के 2 कैन चेक पोस्ट के दूसरी साइड पर लेकर जाने थे और उन्हें एक मार्स से आए हुए बंदे जिसका नाम था शाह उसे देने थे और वहां से पैसे लेकर वापस शाम से पहले आना था। अगर वो पैसे के साथ शाम से पहले ना पहुंच सका तो डील कामयाब नहीं होगी और रैंडम और उसके साथी को मार दिया जाएगा। एक सीन में रैंडम मेट्रो स्टेशन पर था जो एक चेक पॉइंट था।
इसके बैग में ऑक्सीजन के कैन थे, अगर वो चेक हो गए तो उसे इल्लीगल बोला जाएगा। अब रैंडम को यही उम्मीद थी कि मेरे पास लाइसेंस है, इसलिए शायद वो मेरा बैग खोलकर कैन ना देखें। मुझे इस पॉइंट पर लगा था कि शायद हीरो पकड़ा जाएगा। आप लोगों को इस पॉइंट पर क्या लगा था कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आपको मिले। तो चलो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। वो इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि अपनी टर्न पर भी उसका ध्यान नहीं था, लेकिन अब जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उसके लाइसेंस की वजह से उसके बैग की चेकिंग नहीं होती, अलबत्ता उसे ये बोला जाता है कि वो अपने लाइसेंस की हिफाजत करे वरना उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ देर बाद वो उस अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां उसका क्लाइंट शाह उसका वेट कर रहा था। शाह 5 साल का था जब वो अपने अमीर माँ बाप के साथ मार्स में चला गया था। वो अभी तक हाई क्वालिटी की ऑक्सीजन यूज कर रहा था जो नेचुरल गैस जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अब नेचुरल गैस खरीदना चाह रहा था और इसी वजह से वो अर्थ पर आया था। रैंडम देखता है पानी का एक ग्लास टेबल पर पड़ा हुआ था, वो उसे घूरने लगता है क्योंकि वो पानी बहुत साफ था जो आमतौर पर अमीर लोगों के लिए प्रिजर्व कर दिया जाता है। शाह उसे पानी पीने के लिए देता है। रैंडम काफी हैरान हो जाता है, वो उससे पानी नहीं लेता और उसे डायरेक्ट बिजनेस की बात करता है। शाह उसे बोलता है कि मार्स के रहने वाले अर्थ पर सिर्फ बिजनेस या मजे के लिए आते हैं और मैं यहाँ मजे के लिए आया हूँ। रैंडम को इस पर कुछ शक होने लगता है तो वो ऑक्सीजन के कैन बाहर निकालता है। इस ऑक्सीजन को सी लेवल के 800 मीटर के ऊपर से कलेक्ट किया गया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं बल्कि प्योर ऑक्सीजन थी। शाह उन कैन को देखने लगता है और उनसे इम्प्रेस होने लगता है। जब रैंडम उससे पेमेंट का बोलता है तो वो हिचकिचा जाता है। वो बोलता है कि हो सकता है ऑक्सीजन मिक्स की गई और प्योर ना हो, मतलब वो तब तक पेमेंट नहीं करेगा जब तक उसको टेस्ट नहीं कर लेता। वो बोलता है अगर इस ऑक्सीजन में कोई मॉइस्चर हुआ, रैंडम बोलता है इस ऑक्सीजन में अगर कोई मॉइस्चर हुआ भी तो भी ये लास्ट थी जो हिमालय से आई थी, ये ऑक्सीजन तुम्हें बाहर से खरीदने के लिए नहीं मिलेगी। वो शाह से बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ये खरीद लो वरना नुकसान में रहोगे। रैंडम की इन तो से शाह को और ज्यादा शक होने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं तो शाह बोलता है कि अर्थ जल्दी तबाह होने वाली है और जैसे ही वो ये बोलता है तो उनके आगे पड़ा हुआ टेबल जोर से हिलने लगता है। रैंडम को पता चल जाता है कि ये टेबल नहीं बल्कि एक बॉक्स है और शायद इसके अंदर कोई है। वो टेबल को इतना नोट नहीं करते और एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बॉक्स और ज्यादा जोर से हिलने लगता है। जब रैंडम को लगता है कि शाह मुझे पेमेंट नहीं करेगा तो वो गन निकाल लेता है और डील को खत्म करने के लिए बोलता है। शाह पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो भी गन निकाल लेता है। अब रैंडम परेशान था जबकि शाह खुश लग रहा था। शाह बोलता है कि मैं मार्स में रहकर काफी बोर हो गया था बट तुम्हारे साथ इस लड़ाई में मुझे काफी मजा आ रहा है। और तभी रैंडम शाह को गोली मार देता है और वो वही मर जाता है। अब उसे पता चल गया था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो बचा हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तभी वो बॉक्स खोलता है और हैरान हो जाता है, उसमें एक लड़की बंद थी, वो रस्सियों से बंधी हुई थी और ऐसा लगता था कि शायद वो किडनैप हुई हुई है। रैंडम को नहीं पता था कि ये लड़की कौन है और क्या करेगी तो वो अपनी गन उस पर पॉइंट करता है तो वो अपनी गन उस पर भी पॉइंट कर देता है। लड़की हैरान हो जाती है बट सुख की सांस लेती है जब वो उसके हाथ खोल देता है। रैंडम उसे डराता है और बोलता है खामोश रहो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी मार दूं। जब वो बात कर रहा था तो लड़की बोलती है कि जिस आदमी को तुमने अभी मारा है वो शाह नहीं है, असली शाह की डेड बॉडी अंदर बेड पर पड़ी हुई है। मतलब अभी तक जो शाह बन रहा था वो असली शाह नहीं था बल्कि उसने अभी कुछ देर पहले असली शाह को मार दिया था। अब वो बताती है कि तुम्हारे आने से पहले वो मुझे भी मार्स ले जाने वाला था स्मगल करने के लिए। अब रैंडम जानता था अगर वो पैसों के साथ वापस ना गया तो याकूब मुझे मार देगा। जब वो घर की तलाशी ले रहा था तो देखता है वहाँ बहुत से पानी के गैलन पड़े हुए थे। उसे इस खजाने पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अब वो चाहता था कि वो इस तमाम को बाहर ले जाकर स्मगल कर दे लेकिन उसके साथ हाई सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ था, मतलब अगर वो पासवर्ड के बगैर उन्हें बाहर लेके गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब बाहर अनाउंस हो जाता है कि कर्फ्यू लग गया है, मतलब रैंडम की डील कैंसिल हो गई थी, अगर वो वापस गया तो मारा जाएगा। उसे याकूब के पहुंचने से पहले यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना था। दूसरी तरफ याकूब रैंडम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब कर्फ्यू का ऐलान होता है तो याकूब रैंडम के साथी का ऑक्सीजन मास्क उतार देता है। जब कर्फ्यू का ऐलान होता है तो याकूब रैंडम के साथी का ऑक्सीजन मास्क उतार देता है और वो सफोकेशन से मर जाता है। दूसरी तरफ रैंडम उस लड़की के साथ अपार्टमेंट में था और
उससे उसकी असली शनाख्त पूछता है। वो बोलती है कि मेरा नाम पारी है और मुझे शाह ने खरीदा था, वो मुझे अपनी बीवी बनाकर मार्स ले जाना चाहता था। तभी वो आदमी आया, उसने शाह को मार दिया और मुझे बंदी बना लिया। अब रेंडम का आर्टिफिशियल हर्ट उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। तब पारी को रियलाइज होता है कि मैं उसे नर्वस कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो ब्लश कर रहा है। रेंडम उससे पूछता है तुम क्या करना चाहती हो, वो बोलती है कि मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। अब वो यही लाइन बार बार बोलती है और उसकी आवाज रोबोट की तरह होने लगती है। तब रेंडम को पता चलता है कि वो सिर्फ एक रोबोट है जो इंसानों की तरह सोचती और काम करती है। पारी में कोई खराबी हो जाती है जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है और रेंडम अब अकेला बच गया था। अब वो कर्फ्यू खत्म होने के बाद भागने के लिए प्लान बनाने लगता है। वो गुस्से की वजह से उस प्योर ऑक्सीजन से सांस लेने लगता है, वो बहुत प्योर थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो यकूब और उसके आदमी उसके सामने थे। उन्होंने उसे एक चेयर के साथ बांध दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इसने वाटर गैलन के लिए शाह को मार दिया है। रेंडम उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है बट यकूब उसका यकीन नहीं करता। उसके आदमियों को वाटर गैलन के साथ लगी हुई सिक्योरिटी का नहीं पता था और वो उन्हें साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। यकूब भी रेंडम को वही बंदा छोड़कर जाने वाला था ताकि पुलिस आकर शाह के कत्ल के जुर्म में उसे पकड़ ले। जब वो गैलन्स को लेकर जा रहे थे तब एक अलार्म बजता है, मतलब पुलिस आ गई थी। तभी पारी दोबारा ऑन हो जाती है, रेंडम के हाथ खोलती है। पुलिस यकूब और उसके गैंग को वाटर गन्स के स्मगल करने के जुर्म में पकड़ लेते हैं, उन्हें रेंडम और पारी का पता ही नहीं चलता। आखिरी सीन में रेंडम और पारी एक सीक्रेट रास्ते से वहां से भाग जाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। अगर हमारी हवा में भी कार्बन ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए साफ हवा के लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मुझे पहली बार सुना है या मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी आर सीजन द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर हिट द बेल आइकन।